नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के देहरादून ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो देहरादून ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तराखंड के कुल 13 ज़िलों में से एक देहरादून ज़िला के नाम से जाना जाता है। देहरादून ज़िला होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य का राजधानी भी है। यह ज़िला उत्तराखंड राज्य के पश्चिम दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस देहरादून शहर में मौजूद है और देहरादून ज़िला गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। देहरादून ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम उत्तरकाशी ज़िला, हरिद्वार ज़िला, टिहरी गढ़वाल ज़िला है। देहरादून ज़िला में 7 तहसील, 6 ब्लॉक, 34 बैंक, 6 नगर पालिका और 767 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के देहरादून ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3,888 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देहरादून ज़िला की कुल आबादी 16,96,694 है। इस ज़िले के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी प्लस हिमालय नदी के निचले हिस्से पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 556 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 257 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 72, नेशनल हाईवे संख्या 72A और नेशनल हाईवे संख्या 58 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तराखंड के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो देहरादून ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम देहरादून रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म व 1 पटरिया शामिल है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1899 में की गई थी। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड DDN है और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट कॉलेज, PG कॉलेज शामिल है, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराता है। देहरादून ज़िला में देश विदेश से बच्चे आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: एल्पिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, दून कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, दयानंद एकेडमी, ज्ञानी इंटर सिंह इंस्टीट्यूट, DBS PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जितने भी देश के IAS IPS ऑफिसर भर्ती होते हैं, देहरादून के मसूरी शहर से ही ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं। ये सभी जितने भी इंस्टीट्यूट व मैनेजमेंट कॉलेज हैं, ये सभी बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अस्पताल की बात करें तो यहाँ के कुछ मुख्य सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में शुमार सिटी हार्ट हॉस्पिटल, सैनरी हॉस्पिटल, जगदम्बा हॉस्पिटल, नंदा हॉस्पिटल, महर हॉस्पिटल है। इसके अलावा कई यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय भी मौजूद हैं, जो लोगों को अच्छी तरह से स्वस्थ होने में सहायता करते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है।
हिमालय के निचली हिस्से में बसा यह ज़िला काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के चक्रतारा, मसूरी हिल, ऋषिकेश आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जाली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि डोमेस्टिक यानी कि देश के बड़े बड़े शहरों में पहुँचा जा सकता है इस हवाई अड्डे के माध्यम से। दोस्तों, देहरादून ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।